नमस्कार, आज के साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है, जिसमें समाज सेवी बुद्धिजीवी जगदीश अग्रवाल आज नए विषय पर ज्ञानवर्धक जानकारी देंगे। लेकिन विस्तार पर रूबरू होने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। अब पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहां हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोकलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2812-323। ग्रेट वे मेंस वियर, स्पेशलिस्ट इन जेंट्स सूट एंड सफारी सूट, रेडीमेड गारमेंट, टेलर्स एंड ड्रेपर्स। पता मेन हनुमान रोड, ईस्ट रोडाश नगर, शाहदरा, दिल्ली 32। फोन 2211-8807-2257-4882। स्टार्ट से क्या विपत्ति जीवन का दीपक है? बिना विपत्ति के जीवन अधूरा है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल से। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। कार्यक्रम में आपको स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल जी। आज बात करेंगे हम विपत्ति जीवन का दीपक है। क्या वास्तव में विपत्ति के अंदर अपने भाई बहन, बंधु, दोस्त सो जाते हैं? आइए बात करते हैं चक्रेश अग्रवाल से। क्या विपत्ति के समय हमें क्या करना चाहिए? चक्रेश जी, जब विपत्ति आती है अपने शरीर संबंधी सो जाते हैं, क्या सच्चे या झूठ है? नहीं, गुप्ता जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और साथ ही मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपने विचार हमें भेजते रहते हैं और स्पष्ट उनकी वार्ता आती है, विचार उनके हमें सुनने को मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और साथ ही मेरा मानना ये है कि जैसे दिन रात के बिना अधूरा है, ऐसे ही जीवन में खुशियों के लिए के साथ साथ विपत्ति की भी अपने आप में बड़ी भूमिका है। तो बल्कि संघर्षशील व्यक्ति को तो खुशियों से ज़्यादा विपत्तियों से क्या होता है। तब जब विपत्ति आती है तब आदमी अकेला रहता है, बीवी छोड़ जाती है, बच्चे भी छोड़ जाते हैं, क्या वजह है? जिंदगी में विपत्ति आती है इंसान को। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कहें कि बीवी भी छोड़ जाती है, परिवार भी छोड़ जाता है, ऐसा नहीं है। जो कितने परसेंट हुआ था? हाँ, मैं बता दूँ, जो आपका अपना है वो दोस्त भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, परिवार का खून का रिश्तेदार भी हो सकता है, और रोज आपके साथ रहने वाला आपका पत्नी, बच्चे ये भी हो सकते हैं। तो उनमें जो भी आपका सच्चा हमदर्द है वो निश्चित रूप से विपत्ति में भी आपके साथ उसी तरीके से खड़ा होगा जिस तरीके से वो आपके सुख में खड़ा होता है। आपने देखा होगा कि या सीधा सीधा कहा जाए कि वो सुख और दुख दोनों में आपके साथ होता है। जब आप सुखी होते हैं तो, और अगर आप अति उत्साहित हो रहे होते हैं तो आपको संयमित रखता है कि अति उत्साह की आवश्यकता नहीं है, आप अतिरिक्त ओवर रिएक्ट कर रहे हैं,
और ऐसे ही अगर विपत्ति यानी दुख आता है तो वो आपको ये सुधारना देता है कि जीवन का मतलब ही सुख और दुख है, और जब ईश्वर ने हमें सुख दिया है तो वो दुख भी हमें ही देगा, और हमें इससे नहीं घबराना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तब स्थिति में हमें लगता है कि जैसे एक और एक दो ना होकर के एक और एक ग्यारह हो गए हों, वो साथ चलने के जैसा होता है और बहुत अच्छा फील होता है। चके जी विपत्ति इंसान पे क्यों आती है, क्या वजह है? उस वजह होगी नहीं, उस तो वजह होगी जो आदमी परेशानी करोड़पति आदमी है और वो खाकपति बन जाते हैं। यहाँ मैं वही नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी की बात है, अरबपति आदमी भी खाली बिना कपड़े नश्वर शरीर के साथ पैदा होता है, तो उस व्यक्ति को वो सब चीजें पैदा होने से लेके अपने संघर्ष के प्राप्त करने के किसी भी स्टेज में प्राप्त हो सकती है, मगर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पैदा होने से के साथ साथ अपना धन और संपदा लेके आया। तो चाहे अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे खाकपति हो, चाहे बिल्कुल गरीब आदमी भी हमने करोड़पति बड़े आराम से बनते देखे हैं, तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप ये तो कह सकते हैं कि इस वक्त वो करोड़पति है और कल को वो हो जाए, मगर वो करोड़पति शुरू से करोड़ पैदाइश ही करोड़पति है या माँ के पेट से ही करोड़ों लेकर के पैदा होता है, ऐसा नहीं है। तो ये तो कुछ तो प्रकृति है, कुछ तो ईश्वर है, ये ईश्वरी शक्ति की ही स्थिति है कि वो आपको अफ्रीका के जंगलों में हसी जो ट्राइबल परिवार है वहाँ पैदा करता है, या आपको भारत जैसे सांस्कृतिक देश में पैदा करता है, या डेवलप्ड कंट्री के अच्छे वैभवशाली परिवार में पैदा करता है। उससे भी पहले वो आपको इंसान बनाता है या जानवर बनाता है या कीड़ा मकोड़ा बनाता है या पक्षी बनाता है, ये भी उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। तो इसमें इंसान को तो ये मानना ही नहीं चाहिए कि अगर खुशी है तो वो आपकी अपनी वजह से है और दुख है तो वह किसी दूसरे की वजह से है। जो खुशी है वो भी उस परमपिता परमात्मा की देन है, और जो गम है या विपत्ति है वो भी उस परमपिता परमात्मा की देन है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। योग से आप अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, जैसे गठिया, सियाटिका, सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, शुगर, छाजन, पेट गैस, अनिद्रा और टेंशन। और इसके लिए आप मिले डॉक्टर आर एस डबासी, क्योंकि डॉक्टर डबासी आपको समझते हैं आपसे बेहतर। अरे भाई, आप पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है या अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। तो करीब प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे DNYS, CCYN, CCY, CRM और PGDYN। अच्छा, ये सब कहाँ से?
आप आइए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी C89A मंडावली फाजिलपुर IP एक्सटेंशन दिल्ली 110092 लैंडलाइन 011-2247-7950 मोबाइल 9811098160 एवं 9540102802 Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka Utkrisht Utpadan CKG Mouth Watering Fruit Jams Continental Sauces Pickles in different flavors Vinegar Delicious Tomato Ketchup You and CKG What a great combo Break kiya aur aapko fir se swagat hai Balki Paramita Paramajit tarike se ek bacche ko पूरे साल पढ़ते हुए एग्जाम देना पड़ता है इसी तरीके से इंसान को भी जिंदगी में विपत्ति के माध्यम से अपनी जिंदगी का अपने जीवन का इम्तिहान देना पड़ता है मेरा ईमान आपने कहा ईश्वरीय शक्ति है उसके हाथ में सब कुछ है तो इंसान कहता है कि मैं सब कुछ हूँ क्या वजह है नहीं क्यों ऐसी बातें होती है देखिए अगर कोई इंसान मैं कह देता है तो पहले ही मर चुका होता है अगर कोई इंसान हम की बात करता है तो ही वो उस पर अहंकार का भाव नहीं हो सकता तो और जब वो हम कह रहा है तो कोई ना कोई उसके साथ खड़ा है चाहे वो उसका ईश्वर हो चाहे उसका कोई सहपाठी हो चाहे उसके परिवार का कोई आदमी हो तो जब एक हम जो है ना वो बड़ा है मैं के मुकाबले तो जब हम एक इंसान हम कह रहा है तो नेचुरली उसके साथ कोई ना कोई है और मेरा समान जब विपत्ति आती है तो आपने सुना होगा भगवान राम को ब्रह्मा जाना पड़ा सत्यवादी शरण को शमशान घाट जाना पड़ा क्यों विपत्ति इंसान की आई क्या वजह है वो तो भगवान थे सहन की पर आम आदमी कैसे सहन कर पाएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो केवल 14 साल का वनवास लिया था ऐसे ऐसे लोग मैं आपको समाज में व्यक्ति दिखा दूँ कि जिसकी अभी शादी हुई है शादी होने के बाद 2 महीने बाद ही या 2 साल बाद पति एक्सपायर हो गया 2 बच्चे हैं उन घर वालों ने सास ससुर ने घर से निकाल दिया है खुद इतनी पढ़ी लिखी है परिवार पीछे है तो परिवार से इतनी अच्छी नहीं है वो भी संघर्ष कर रही है तो जहाँ तक मैं संघर्ष की उसकी बात करूँ तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जो मानवीय स्वरूप रहा है मानवीय जीवन रहा है उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष वो महिला झेल रही है तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वनवास का पीरियड है वो इतना प्रभावी है बल्कि वो तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने आप को देखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है तो उन्हें ईश्वर होते हुए भी उन्होंने सांसारिक मर्यादाओं का अनुपालन किया था सांसारिक मर्यादाओं का पक्योर का निर्वाह किया था इसीलिए उनका नाम अपना मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी भी अपने संपूर्ण जीवन में ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ भगवान का जो कर्मयोगी स्वरूप था जो अपना कृष्ण जी के रूप में है उसमें भगवान शुरू से ही कहकर के चले हैं कि मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ तो ईश्वर के जितने भी अवतार हैं उनमें अलग अलग लक्षण हैं और अलग अलग कारण तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने संसार को एक मर्यादित क्षेत्र संसार एक मानव कैसे रहे उस तरीके के निर्वाह के लिए अपने आप को समर्पित किया था और मानवीय जीवन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया चके जी इंसान पर विपत्ति नहीं आए उसके इंसान को क्या करना चाहिए नहीं नहीं क्या झूठियाँ इंसान की कि वो अच्छे काम करे देखिए आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर अच्छे काम करते रहें तो आप पर विपत्ति नहीं आएगी विपत्ति तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि खुशी आपका दोस्त होना हो विपत्ति आपका दोस्त हो तो ज़्यादा बढ़िया आपको विपत्ति सिखाती है जबकि खुशी आपको भुलाती है तो विपत्ति तो इंसान के लिए एक एग्जाम है एक परीक्षा है जिसके बिना जैसे एक सोना तपे बिना उसमें चमक नहीं आती है उसी तरीके से बिना विपत्ति के इंसानी जीवन की परिकल्पना करना मेरे हिसाब से तो असंभव आप ये विपत्ति की बात हो रही है विपत्ति मोदी पे भी आई मोदी पे इल्जाम है वे आज अमेरिका ने उनको निष्पक्ष कर दिया कि कोई गलत काम नहीं किया क्या विपत्ति नहीं वो क्राइम सीमन है
नहीं, क्या वजह है इसकी? मैं आपको थोड़ा संशोधित करना चाहूंगा। एक तो मोदी जी से व्यक्तित्व और भारत के व्यक्तित्व को लेकर के अमेरिका से हमें किसी तरह प्रकार के ठप्पे की जरूरत है ऐसा हम मानते नहीं है। हमारे समाज हमारे देश के लिए क्या कहता है, अच्छे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमें इससे मतलब है। हमें अमेरिका से कोई मतलब नहीं, सऊदी अरेबिया से कोई मतलब नहीं, यूरोपियन कंट्री से कोई मतलब नहीं, हमारे पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं। वो अपनी जगह हो सकते हैं, उनके अपने कुछ निजी स्वार्थ है जिसके तहत वो हम लोगों को वर्गीकरण करते रहते हैं, मगर मेरा देश, मेरे देश की जनता मुझे अच्छा कहे, मुझ में कमी ना बता पाए, ये मेरे लिए गौरवान्वित का विषय है। तो मोदी जी को देश की जनता अच्छा बता रही है, ये इसलिए एक महत्वपूर्ण विषय है और हम उनका जीवन को अनुकरणीय अपने जीवन में मानते हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए कवागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have the feast of taste as ABS Enterprises presents Dev Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 228-31594. Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school, learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competition. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. Break ke baad aapka fir se swagat hai. Sakhe ji, kabhi aapko vipatti ya sankat aata hai, तब आप क्या करते हैं, किसकी शरण में जाते हैं, किसको याद करते हैं, आप क्या करते हैं उस टाइम? देखिए एक्चुअली आप जो कुछ देखिए, तो स्पष्ट बात बताऊं, मुझे किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है विपत्ति के समय, क्योंकि मैं हर वक्त ही उस परमपिता परमेश्वर की शरण में रहता हूं। जो वो मुझसे सुबह उठने के बाद करते हैं तो मैं कहते हैं मैं करता रहता हूँ। सर्वपूर्ण ईश्वर को समर्पित जीवन का निर्वाह करने की मैं कोशिश करता हूँ। उसमें जो त्रुटियाँ रह जाती है, रात को उस परमपिता परमेश्वर से क्षमा याचना कर लेता हूँ कि अगर मेरे जीवन में, मेरे दैनिक कार्य में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, कल मैं उस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। तो जो विपत्ति हो चाहे सुख हो, दोनों में अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करता हूँ। नंबर विपत्ति में इसका हल क्या है ये ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। कितने समय तक ये विपत्ति चलेगी उसका इवैल्यूएशन करता रहता हूँ, मगर विपत्ति है इसका तो मुझे संपूर्ण एहसास रहता है और उसके लिए कोई गिला शिकवा नहीं रहता। वो तो मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है और मैं परीक्षा देता रहता हूँ और हर वक्त देता रहता हूँ। बहुत बार गहरी विपत्तियां भी मैंने
हमने अपने जीवन में महसूस किए, मगर सब लास्ट में यही देखा है कि वो विपत्तियां भी उस ईश्वर की दी हुई परीक्षाएं थी, जिनका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। और रिजल्ट देख करके जब खुशी हुई, तो उस वक्त जो विपत्तियों को लेकर के थोड़ा सा तनाव होता था वो सब खत्म हो गया, और एक मन में संतोष आया कि उन विपत्तियों ने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ किया। जी, आगे का विपत्ति में शिक्षा देता हूँ, कैसे शिक्षा देते हैं, अस्थिर क्यों नहीं हो पाती आप? नहीं, क्या आपके साथ कोई आपकी मिसिज या बच्चे या नहीं, कोई नहीं, उस टाइम साथ आता है या खुद ही भूलते हैं? नहीं नहीं नहीं, 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 एक केवल मैं मतलब पत्नी और बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ खड़े होते हैं। कहते हैं दोस्त तभी काम आते हैं जब धन होता है, जब धन नहीं होता है तो अपनी छाया भी छोड़ जाती है इंसान। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता, दोस्त तो वही है जो आपकी विपत्ति मेरे साथ है, जो अच्छे देखो। और मैं भी एक, जहाँ तक हमारी बात है, हम भी एक कोशिश करते हैं कि अगर किसी के यहाँ कुछ शुभ कार्य हो रहा है तो हो सकता है मैं उसको शुभकामनाएं दूर से दे दूँ या ना पहुँच पाऊँ तो दूर से दे दूँ, मगर अगर वो विपत्ति में है तो निश्चित रूप से कोशिश करता हूँ कि उस वक्त मैं निजी हम वहाँ पर निजी स्तर पर उसके नज़दीक हों, जिससे उसे कम से कम मानसिक शांति तो दे सके और हम दोनों विचार विमर्श करके उस समस्या से बाहर निकलने का प्रयास कर सके। कि कोई इंसान विपत्ति में है, दुख में है, परेशानी में है, उनको क्या मैसेज देंगे आप? सुख से ज्यादा विपत्ति आपका साथी है, आपके लिए परीक्षा की घड़ी है, और आप इतने बहादुर हैं कि परीक्षा देने से घबराते नहीं हैं, तो इसलिए आप अपने आप को व्यवस्थित रख करके इस ईश्वर की दी हुई परीक्षा रूपी विपत्ति का सामना करें। वो ईश्वर आपको इसमें सफलता जरूर देगा, और इसके रिजल्ट भी आपकी जो पहले खुशियां दे रही है उनसे कहीं ज्यादा बेहतर होंगे, ये मेरा विश्वास है। अभी आप सुने थे समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल जी को, उन्होंने बताया कि विपत्ति के बाद सुख आता है और सुख का अनुभव आपको हुआ, इसका विपत्ति में आपको घबराना नहीं चाहिए। सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2118-0638-2122-0638-9817-8489817-7052। हमारा फैक्स नंबर है 2111-0638। ईमेल aapkawat@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.dillyfm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री राम नगर, शारदा, दिल्ली 32।